हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो फैन फिक्शन लाई हूँ वो मेरी लिखी हुई नहीं है। ये मोदू नोवेल का एक फैन फिक्शन है जिसे अकत्सुकी सिन नाम के ऑथर ने इंग्लिश में लिखा है और वाटपैड में पब्लिश किया है। एक मोदू नोवेल लवर की रिक्वेस्ट से मैं आज इस फैन फिक्शन को हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्टोरी के बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस ऑथर ने और भी बहुत सारे फैन फिक्शन लिखा है, आप लोग चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से उनके स्टोरीज पढ़ सकते हैं। ये स्टोरी मुझे एक ड्रीम की तरह लगी और ऑथर ने बहुत बारीकी से इसे क्रिएट किया है। मुझे लगा ये स्टोरी में लुओवेंजो और फेदू की पूरी लव स्टोरी ही बता दी गई है। होप आप लोगों को ये स्टोरी और ये एक्सप्लेनेशन दोनों ही अच्छी लगेगी। जब आपको किसी चीज़ की आदत हो जाती है तब उसके बिना जीना मुश्किल लगता है। फेदू एक ऐसे आराम की ज़िंदगी जी रहा था जहाँ वो कैजुअली फ्लर्टिंग और हुकअप्स किया करता था। उसकी ज़िंदगी में और बेड में लोग आते जाते रहते थे। फेदू कभी किसी को रुकने के लिए नहीं कहता था। उसकी पूरी ज़िंदगी में फेथ और कमिटमेंट कहीं थी ही नहीं। जो बच्चा एक अजीब लवलेस फैमिली में पैदा और बड़ा हुआ वो ज़िंदगी भर का प्यार और समर्पण को कैसे समझेगा। वो सिर्फ कुछ पाकर उसके बदले कुछ देना ही जानता है। पर कमिटेड रिलेशनशिप सिर्फ लेन देन तो नहीं है ना। इसलिए जब किसी ने पहली बार उसका हाथ थाम कर उसे रुकने के लिए कहा तब फेदू नहीं समझ पाया उसे क्या करना चाहिए। एक प्यार भरा रिश्ता कैसा होता है, वो रिश्ता उससे क्या मांगेगा या फिर उसे उस रिश्ते से क्या उम्मीद करनी चाहिए। क्या मीठी बातें और सेक्सुअल प्लेजर काफ़ी होगी? क्या पार्टनर को गिफ्ट खरीद के देने से उसका फर्ज पूरा हो जाएगा? कितने दिन एक इंसान के साथ रहना पड़ेगा? अगर आज वो एक गुलाब देता है तो क्या कल भी वो एक गुलाब दे सकता है? फेदू एक भोले बच्चे जैसा था जिसे क्या करना है, किस रास्ते से जाना है कुछ नहीं पता था। एक अनजान मंजिल के डर से उसने अपने कदम पीछे कर लिए थे। पर कोई था जिसने उसका हाथ पकड़कर उसे रास्ता दिखाया, उसको प्यार का मतलब समझाया और उसे एक घर दिया जिस घर में वो खुलकर सांस ले सकता है, जहां अलग ओपिनियन रखने से अलग नहीं हो जाना पड़ता है। फेदू को ये चीज़ें समझने में टाइम लगा और उससे भी ज़्यादा टाइम लगा उन्हें प्रैक्टिकल यूज़ में लाने में। उसने गलतियाँ करी पर उस इंसान ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। जब उनका रिश्ता ऐसा नहीं था तब भी उस इंसान ने उसका ध्यान रखा था। अब फेदू इस प्यार भरी दुनिया का ही हो गया है। सुबह अपने बॉडी के ऊपर कैट हेयर देखना, गलतियों के लिए डांट खाना और अच्छे काम के लिए शाबाशी पाना अब उसकी आदत हो गई है। अपने पार्टनर का बनाया हुआ टेस्टी खाना खाकर उसके बाहों में सो जाना अब उसका डेली रूटीन है। शरीर का रिश्ता अब उसके लिए सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहा, मीठे शब्द भी अब सिर्फ शब्द नहीं रहे। अब उसे पता चल गया है सच्चा प्यार किसे कहते हैं। इसलिए जब उसका सामना ऐसे हादसे से हुआ जो उससे ये सब छीनकर उसे अपनी पुरानी जगह पर वापस भेजने वाला था, तब फेदू को लगा जैसे वो फिर से बेसहारा बनने वाला है। रात को हॉस्पिटल में सन्नाटा था। जिस टाइम मेडिकल स्टाफ राउंड में आए थे वो टाइम छोड़कर हॉस्पिटल में और कब्रिस्तान में कोई फ़र्क नहीं था। फेदू VIP रूम में पेशेंट के बेड के पास एक स्टूल में बैठा था। बेड पर लुओवेंजो सो रहा था। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। उसके फोरहेड पर एक बैंडेज था और उसके दाहिने हाथ पर एक IV ड्रिप लगा हुआ था। उसकी पूरी बॉडी से ब्लड और मेडिसिन की स्मेल आ रही थी। कैप्टन लो अपनी ड्यूटी करते हुए इंजर्ड हो गए हैं, सिटी ब्यूरो के ऑफिशियल रिपोर्ट में फेदू ने यह सुना था। तावरन ने बताया था कि वो लोग एक वांटेड क्रिमिनल ग्रुप का पीछा कर रहे थे। पुलिस ने जब उस गैंग को घेर लिया तब उन क्रिमिनल्स ने गोली चलानी शुरू कर दी। कैप्टन लो की टीम के लिए ये कोई नई बात नहीं है, पर वहाँ कुछ आम लोग थे जिनको प्रोटेक्ट करते टाइम लुओवेंजो को 2 गोली लग गई, एक उसके कंधे पर और दूसरी पेट पर। उसके चोट लगने पर वो क्रिमिनल गैंग के बॉस को भागने का मौका मिल गया। उस शांत हॉस्पिटल रूम में बैठकर फेदू लुओवेंजो के फीके चोट खाए हुए चेहरे को देखता रहा। गोली किसी वाइटल ऑर्गन में नहीं लगी थी, डॉक्टर्स ने उन्हें सक्सेसफुली निकाल दिया था। उनका कहना था कि उसे 1-2 दिन में होश आ जाएगा। फेदू का पेट मचला जा रहा था पर वो अपनी शकल पर वो दिखा नहीं रहा था। उसकी नज़र में लुओवेंजो सिर्फ एक फिजिकली स्ट्रांग पुलिस कैप्टन नहीं है बल्कि एक ऐसा स्ट्रांग विल्ड इंसान है जो अपने साथ साथ अपनी पूरी टीम का मनोबल बढ़ाने में सक्षम है। अगर आसमान भी गिरने लगे तब भी तुम्हारा ये शाही पिता उसे पकड़ के रखेगा, कहने वाला लुओवेंजो अब लाचार होकर बिस्तर पर पड़ा है। फेदू को उस वक्त की याद आई जब बॉम्ब फटने से पहले वो लुओवेंजो के सामने आ गया था और मौत से जूझ रहा था। तब क्या लुओवेंजो भी ऐसा ही महसूस कर रहा था? फेदू के लिए लुओवेंजो हमेशा वरीड रहता है। आज फेदू को उसी का हिसाब चुकाना पड़ रहा है।
फेदू पास के टेबल पर पड़ा फ़ोन की तरफ देखता है। हॉस्पिटल में घुसते ही उसने वो फ़ोन बंद कर दिया था। फ़ोन तो हर किसी के पास होता है और लोग अपने फ़ोन से बहुत कुछ कर सकते हैं, पर फेदू का फ़ोन खास है। वो किसी इंसान का फेट भी डिसाइड कर सकता है। उसका सिर्फ एक कॉल या फिर एक मैसेज से उस क्रिमिनल गैंग के लीडर का फेट डिसाइड हो सकता है। फेदू ने फ़ोन को हाथ में लिया। फ़ोन का काला स्क्रीन काला गहरा रसातल जैसा लग रहा था। फ़ोन को ऑन करके उस क्रिमिनल को ख़त्म करने का ऑर्डर देने में उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और सुबह होने से पहले ही वो आदमी इस दुनिया से मिट जाएगा। पर तभी उसने लुओवंजो के हाथ को हिलते देखा। सीजियंग, उसने आवाज़ लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। लुओवंजो के सीने को छोड़कर बाकी पूरी बॉडी स्थिर ही थी, पर फेदू श्योर था कि उसने लुओवंजो के हाथ को हिलते हुए देखा था। अनजाने में उसने एक गहरी सांस छोड़ी जो पता नहीं कब से उसके सीने में फंसी हुई थी। उसके हाथ कांपने लगे और वो कमजोरी महसूस करने लगा। उसने झुककर आंखें बंद कर ली और फ़ोन को वापस रख दिया। फिर लुओवंजो को देखते हुए उसने कहा, आपको मेरा ऐसा करना अच्छा नहीं लगेगा ना? एक पल के लिए एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर आ गई। उसने अपने बॉडी के ऊपर के हिस्से को बेड के ऊपर रख दिया और हाथ बढ़ाकर अपनी उंगली को लुओवंजो की उंगली से जोड़ दिया। फिर उसने धीरे से कहा, सीजियंग जल्दी उठ जाओ। प्लेट्स की आवाज़ से फेदू की नींद खुल गई। उसके पलके कांप उठे और फिर धीरे धीरे उसकी पीच ब्लॉसम आंखें भी खुल गई, पर तेज रोशनी से उसकी आंखें फिर से छोटी हो गई। रूम की लाइट्स जल रही थी। रात का सन्नाटा अब दिन के चहल पहल में बदल गया है। बाहर से आती हुई आवाज़ से लग रहा है कि जैसे आसपास की दुनिया फिर से जिंदा हो गई है। फेदू सीधा होता है और महसूस करता है कि उसके बॉडी एक ब्लैंकेट से ढकी हुई है। ओहो, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? इस आवाज़ को फेदू कहीं भी पहचान लेगा, पर ऐसे ही नींद से उठते ही इस इंसान से मिलने के लिए वो तैयार नहीं था। उसकी नींद एकदम छूमंतर हो गई और वो झट से पीछे मुड़ गया। फेदू को हैरान होते देख वो खूबसूरत मिडिल एज लेडी हंस उठी। गुड मॉर्निंग जियाओ फे। फेदू के मुंह से मॉम निकलने ही वाला था, पर पता नहीं एक हिचक ने उसे रोक लिया। फिर उसने कहा, गुड मॉर्निंग मॉम। मॉम, ये कितना आसान सा एक शब्द है। ज़्यादातर बच्चे सबसे पहले माँ बोलना ही सीखते हैं। 20 साल पहले फेदू भी शायद उन बच्चों में से ही था, पर यह शब्द बोलने में हर बार उसकी जुबान लुढ़क जाती है। फिर भी जब उसने वो शब्द कहा तब उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसकी पीच ब्लॉसम आइज इनोसेंटली चमक उठी। उसके अंदर जो भी हो, बाहर से वो हमेशा परफेक्ट दिखाई देता है। क्या तुमने पूरी रात जागकर बिताई? मुँह जियाओ चिंग प्यार से फेदू के चेहरे के ऊपर गिरे बालों को हटाते हुए बोल उठी। मैंने जियाओ ताऊ से सब सुना। मेरे इस गधे बैठे ने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया ना? ये उठ जाएगा तो मैं उसे अच्छे से डांट दूंगी। कोई परेशानी नहीं हुई। आपको और डैड को हॉलीडे से बुलाना पड़ा, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, फेदू ने कहा। इसके बाद आप एक क्रूज में जाएंगे? मेरे एक दोस्त का। तुम चिंता मत करो, ये वंजो की गलती है। हमारे नेक्स्ट हॉलीडे का खर्चा वही उठाएगा। मुजियाओ चिंग ने हाथ हिलाया। मेरे पास आकर बैठो, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। टेबल पर कुछ हल्का खाना और फ्रेश फ्रूट्स थे। जब फेदू नींद से जागा तब शायद वह एप्पल काट रही थी। फेदू ओबिडेंटली खाना खाने लगा। लुओवंजो के सामने वो हमेशा खाने को लेकर नखरा करता रहता है। कभी उसको सच में वो खाना पसंद नहीं होता है और कभी वो बस लुओवंजो को परेशान करने के लिए वो सब करता है, पर मॉम के सामने वो बिल्कुल अच्छा बच्चा बनकर सब कुछ खाने लगा। तुम यहाँ पूरे दिन रहोगे तो तुम्हारा काम का क्या होगा? मुजियाओ चिंग ने पूछा। कोई ज़रूरत पड़ेगी तो वो लोग मुझे कांटेक्ट कर लेंगे, और मैं चला जाऊँगा तो वंजो अकेला हो जाएगा, फेदू ने हंसकर कहा। आप अकेले आए हो? डैड कहाँ है? वो बाहर फ़ोन पर बात कर रहे हैं, मुजियाओ चिंग ने कहा। जियाओ फई, मेरा बेटा तुम्हें अच्छे से ट्रीट तो करता है ना? ये तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे बताना, ज़रूरत पड़ी तो मैं इसकी पिटाई कर दूँगी। लुओवंजो अपनी माँ से पीट रहा है ये सोचकर फेदू अंदर ही अंदर हंसने लगा, पर बाहर से वो बिल्कुल शांत था और खाना खा रहा था। उसने शांत आवाज़ में कहा, सीजियंग मेरा बहुत केयर करते हैं, आप और डैड भी तो कितने अच्छे हो, मैं हमेशा आप सबका आभारी रहूँगा। मु जियाओ चिंग ने कहा, हमारा जियाओ फे ना सिर्फ देखने में अच्छा है, वो तो दिल से भी अच्छा है। तुम्हें लुओवंजो ने अपना जीवन साथी चुना है, मुझे और मेरे हस्बैंड को तो तुम्हारा ध्यान रखना ही है, इसमें आभार की कोई बात नहीं है, तुम अब हमारे अपने हो। फेदू ने कुछ ऐसा फील किया जो वो बता नहीं सकता। वो कुछ बोलना चाहता था पर कुछ बोल नहीं पाया। तभी दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आया। फेदू ने आंखें उठाकर देखा, लुओवंजो का मिडिल इज डेड बेड के पास खड़े होकर अपने बेटों को देख रहे हैं।
फिर वो सोफे की तरफ घूमकर बोलने लगे, कल रात ही वो क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं। उनकी आवाज़ और बोलने का स्टाइल किसी सहिंसा की तरह थी। फेदी को पता नहीं था वो कैसे रिएक्ट करे, पर मू जियाओचिंग खड़े होकर दोनों हाथों से एक क्लैप करती है और बोलती है, ये तो बहुत अच्छी खबर है जियाओफे, वेंजो पर गोली चलाने वाला अब खुला नहीं घूमेगा। सुनकर अच्छा लगा, फेदू मुस्कुराकर बोलता है, थैंक यू डैड। फादर लुओ ने सिर्फ अपना हाथ हिलाया, ऐसा नहीं कि वो कम बोलते हैं, पर ज़रूरत से ज़्यादा किसी बात पर चर्चा करना उनको पसंद नहीं, पर उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि उनका हिलता हुआ हाथ देखकर ही लोगों को तसल्ली मिल जाती है। अब हम आ गए हैं जियाओफे, तुम घर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मू जियाओचिंग ने फेदू के पीठ पर हाथ रखकर कहा, घर जाकर आराम कर लो। मॉम, मैं वेंजो के साथ रहना चाहता हूँ, फेदू ने कहा, पर क्या आप मेरा एक काम कर देंगी? बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मू जियाओचिंग ने पूछा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, फेदू ने हिचकिचाते हुए कहा, पर कल मैं जल्दबाजी में आ गया, घर में बच्चे भूखे होंगे। समझ गई, मदर लुओ ने कहा, हम जाते टाइम तुम्हारे बिल्लियों को खाना खिला देंगे। तो हम हमारे शैतान लड़कों को तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहे हैं, कुछ ज़रूरत हो तो कॉल करना, ठीक है? थैंक यू मॉम डैड। फेदू उनको कॉरिडोर तक छोड़ने गया। उनके जाने के बाद फेदू ने एक गहरी सांस छोड़ी। वो एग्जॉस्टेड नहीं था, ना ही वो उनके चले जाने से रिलीव्ड हुआ था, पर पता नहीं क्यों जब लुओवेंजो उसके साथ नहीं होता है तब उसे पता नहीं होता है कि उसे इन दोनों से कैसे बात करनी चाहिए। उन लोगों ने उसे अपनी फैमिली में एक्सेप्ट कर लिया है, पर फेदू को ये पता नहीं है कि एक बच्चे को अपने पेरेंट्स के सामने कैसे बात करनी चाहिए। एक और गहरी सांस छोड़कर वो रूम के अंदर चला जाता है। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी और वो खड़े के खड़े ही रह गया। तुम कितने स्टीफ थे, तुम्हारा मॉम और डैड बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रहे थे। अब जाग गए, फेदू ने पूछा। कॉमरेड मू जियाओचिंग इतनी ज़ोर से बोलती है कि मुर्दे भी कॉफिन से उठ जाएंगे, लुओवेंजो ने कहा। कितने अच्छे से वो अपनी औलाद के पीछे उसकी बुराई कर रही थी। फेदू का एक्सप्रेशन अजीब था। वो फिर से उस बेड साइड स्टूल पर आकर बैठ गया। मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ, मैं ठीक से मॉम डैड भी नहीं बोल पाया। वैसे तुमने अच्छी कोशिश की थी, पहले से तो ये बेहतर ही था, लुओवेंजो ने फेदू की तारीफ की। फेदू ने जवाब में कुछ नहीं कहा, वो बस मुस्कुराकर लुओवेंजो को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हॉरिबल, मेरी बॉडी में दो होल हो गए हैं, एक ने तो मेरे एब्स को ही खराब कर दिया है। यह आपके रेकलेस होने का ही नतीजा है, फेदू ने कहा। आपकी माँ होती तो यही बोलती। किसकी माँ? लुओवेंजो के सवाल से फेदू एक पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने हंसकर कहा, हमारी। लुओवेंजो ही अकेला वो इंसान है जिसे फेदू की ज़िंदगी में क्या क्या हुआ है वो पता है। उस बड़े से घर में उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ बिताए हुए दिनों के बारे में तावरन को भी अच्छे से पता नहीं है। फेदू का जवाब सुनकर लुओवेंजो प्यार से उसके तरफ देखता है, फिर वो अपने हाथ से फेदू के फेस को छूता है। जब मुझे पता चला कि मुझे दो गोलियां लग गई तब मैं डर गया था, मुझे लगा था मैं फिर कभी तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। फेदू ने लुओवेंजो के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा और उसके बड़ी सी हथेली में अपना मुंह घुसा दिया। देखकर लग रहा था जैसे कि कोई कैट पैम्परिंग का डिमांड कर रहा है। लुओवेंजो को फेदू की बॉडी ठंडी लगी। उसे लगा जैसे फेदू की बॉडी उसकी बॉडी से हिट ले रही है। वो उसे घर जाने के लिए बोलता है, पर फेदू घर नहीं जाना चाहता था। लुओवेंजो ने कहा कि वो फेदू को बीमार पड़ते हुए नहीं देखना चाहता है। मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, फेदू ने कहा। फिर से कहना जरा, कैसे एक छोटे से धक्के से तुम्हारा हाथ टूट गया था? इस उम्र में ही तुम्हें ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा है, लुओवेंजो ने कहा। मुझे याद आया, मैं कल ही 3 कार्टन दूध लाया था। मेरे हॉस्पिटल से छूटने से पहले उनको ख़त्म कर देना, और गलती से भी वो दूध लुओ युगियो या फेंचियाओ के मत पिला देना। मुझे पता चला तो तुम्हें बहुत पनिशमेंट मिलेगी। तो मुझे बस ये बात आपसे छुपा के रखनी है, फेदू हंसकर टोंट मारता है। मुझे कम मत समझो यंग मास्टर फेई, मैं हॉस्पिटल बेड पर लेटकर भी तुम पर नज़र रख सकता हूँ। मैं तावरन को बोल दूंगा, वो रोज़ जाकर तुम्हारा दूध पीना चेक करके आएगा। फेदू लुओवेंजो के ऊपर अपने ट्रिक्स चला सकता है, पर तावरन के सामने वो हमेशा अच्छे से पेश आता है। तावरन को लगेगा कि उसे सच में ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है और वो सीरियसली उसका दूध पीना चेक करने आ जाएगा। अच्छा समझ गया, फेदू ने हार मान ली। मेरे प्यारे सीजन के लिए मुझे और क्या करना पड़ेगा? लुओवेंजो उसे देर रात तक गेम खेलने से, वाइन पीने से और बाहर मस्ती करने से मना करता है। आप मुझे अपनी नज़रदारी में ही क्यों नहीं रख लेते हैं? फेदू झुककर अपना सर लुओवेंजो के बॉडी से टच कराता है। मुझे घर नहीं जाना है, मैं यहीं आपके साथ रहूँगा।
क्यों? लुआवेंजो ने पूछा। फेदू ने अपना चेहरा लुआवेंजो के बॉडी के पास घुसा दिया। घर मुझे खाली खाली लगेगा, बेड भी मेरे लिए कितना बड़ा होगा। जब आपको किसी चीज़ की आदत हो जाती है तब उसके बिना जीना मुश्किल लगता है। उसकी बातों में छुपा मतलब समझना, उसके मीठे शब्दों के पीछे की सच्चाई पहचानना। लुआवेंजो हमेशा फेदू के मुखौटे के पीछे के इंसान को समझने की कोशिश करता रहता है। एक सैडिस्टिक बाप और मेंटली ब्रोकन माँ के साथ रहते रहते छोटे फेदू में कुछ इनोसेंस बचा ही नहीं था। प्यार, स्नेह, भरोसा, समर्पण, इन सब चीज़ों के बारे में वो कुछ नहीं जानता था। जब लुआवेंजो ने फेदू का हाथ पकड़कर उसे रुकने के लिए कहा और फेदू डरकर भागने लगा, तब लुआवेंजो उसका कारण समझ गया था। प्यार मोहब्बत के बारे में फेदू कुछ नहीं जानता था। टीजिंग और फ्लर्टिंग में वो एक्सपर्ट था। मीठे शब्द उसके मुंह से नेचुरली निकल आते थे। सबके सामने अपने आप को एक जेंटलमैन दिखाने के लिए उसे कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती थी। लुआवेंजो को उसकी लिखी हुई लव पोएम भी याद है, जिसे उसने सेल्फ रिफ्लेक्शन के बदले लिखा था। उसकी लिखी हुई बातों ने लुआवेंजो की लाइफ को पलट कर रख दिया था। पर फेदू ने कभी अपने दिल का दरवाज़ा किसी के लिए नहीं खोला था, लुआवेंजो के लिए भी नहीं। आज वही फेदू जब उसके तरफ झुककर उसके दिल का दरवाज़ा खोल रहा है, लुआवेंजो समझ नहीं पा रहा है वो क्या करे। लुआवेंजो को लगा कि शायद आज पहली बार फेदू उसे बिना किसी सेक्सुअल इंटेंशन से टच कर रहा है। क्या उसके घायल होने की खबर ने फेदू को हिला दिया है? क्या वो खबर पाकर वो दौड़ के आया था? ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट करते टाइम फेदू का चेहरा कैसा था? जल्दी उठ जाओ, बेहोशी की हालत में लुआवेंजो ने शायद फेदू की आवाज़ सुनी थी। उसे लगा था शायद वो एक सपना है, पर क्या फेदू ने वो सच में कहा था? उसके पास बैठे बैठे ही क्या वो सो गया था? फेदू, अपना नाम सुनकर फेदू ने सर उठाकर कहा। कुछ नहीं, लुआवेंजो ने गर्दन हिलाई। फिर उसने एक बार और फेदू के गाल को छुआ। मैं जल्दी घर आ जाऊँगा, तुम मेरा बिस्तर गर्म रखना। फेदू ने एक पल के लिए उसके तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर उसके हथेली में अपना चेहरा घुसा दिया। आंखें बंद करके वो लुआवेंजो की वार्मथ को महसूस करता रहा। लुआवेंजो ने उसे अपनी तरफ खींचकर उसका सर चूम लिया और फिर उसके बालों को सहलाने लगा। मैं आपके लिए इस बेड को भी गर्म कर सकता हूँ, फेदू ने कहा। शैतानी बंद करो, लुआवेंजो ने हल्के से एक थप्पड़ लगा दिया। एक बार ये दो होल बंद हो जाने दो, फिर जितनी मर्जी गर्मी ले लेना। अभी तुम घर जाकर लुआ युगियो को कटल कर लो। लुआवेंजो को दिखाई नहीं दिया, पर उसे समझ आया कि फेदू चुपके से हंस रहा है। वो भी मुस्कुराकर फेदू के बालों में किस कर देता है। फेदू के बालों से उसके फेवरेट शैम्पू की खुशबू आ रही थी। जब किसी चीज़ की आदत हो जाती है तब उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसा है तो वो कभी इसको जाने नहीं देगा, जब तक वो जिंदा है, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, फाउंड एंड बी फाउंड नाम की ये फैन फिक्शन यही ख़त्म होती है। आप लोगों को ये कैसी लगी बताना मत भूलना, और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।